गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड जो सेकंड ईयर है आपका उसमें पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर आज जो हम पढ़ेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्टिंग क्राइटेरिया ऑफ अ टेक्स्ट बुक। इससे पहले हमने पढ़ा था जो डी मेरिट्स थी टेक्स्ट बुक की वो हमने पढ़ी थी और जो मेरिट्स थी वो भी हमने पढ़ ली। तो आज जो हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और सेलेक्टिंग क्राइटेरिया ऑफ अ टेक्स्ट बुक। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्टिंग क्राइटेरिया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उसका सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि किन चीज़ों को सिलेक्ट करने के अंतर्गत उसे टेक्स्ट के अंदर किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। जब एक पाठ्य पुस्तक को हम सम्मिलित करते हैं तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को लिया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो ये है कि द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स आर carefully graded. The words and structures are gradually selected. Gradually इसको selected किया गया है, क्यों किया गया है, मतलब केयरफुली, सॉरी यहाँ पर आया था आपका केयरफुली ग्रेडिंग या सिलेक्टेड, यानी इसको एक ग्रेड के अकॉर्डिंग बहुत ही सावधानी के साथ जो वर्ड्स है फ्रेजेस है उनको शामिल किया गया है। ये इसकी सबसे अच्छी मतलब सबसे मुख्य जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है। फिर नेक्स्ट जो हमारे है वो है टू मैनी न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आर नॉट इंट्रोड्यूस एट ए टाइम। टू मैनी न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग या सेंटेंस या फ्रेजेस आर नॉट इंट्रोड्यूस एट अ टाइम, यानी एक ही टाइम इन सब चीज़ों को एक साथ शामिल नहीं कर सकते हैं। फिर जो है हमारा द वर्ड्स द स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी लर्न आर रिपीटेड इन द कमिंग पेजेस सो दैट द स्टूडेंट्स मे रिवाइज देम मेकिंग देम स्टेबल इन देयर मेमोरी। मतलब वो अपनी मेमोरी के अंदर कब स्टेबल कर सकते हैं, दे स्टेबल इन देयर मेमोरी एंड दे कैन रिकॉग्नाइज द वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। वो अपनी मेमोरी के अंदर वर्ड्स फ्रेजेस इनको स्थायी रूप से रख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ टॉपिक्स शुड बी कवर्ड इन अ टेक्स्ट बुक। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आर सिलेक्टेड, जो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे कि इट इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, जो जिससे कि इतने इंटरेस्टिंग जो भी चीज़ें होती हैं उसको कवर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर मतलब इन चीज़ों को समझने में मतलब कि जैसे कि हमने ये बोलते हैं कि जो सेलेक्टेड टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको ही सेलेक्ट कर देता है जिससे कि विद्यार्थी इंटरेस्ट लेते हैं। द स्टूडेंट्स विल टेक द इंटरेस्ट इन द टेक्स्ट बुक। फिर हमारा जैसे कि दिस टॉपिक शुड बी डेल्ट विद इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब वो जो टॉपिक्स और डिफरेंट फॉर्म्स में टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफीज, जैसे ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, फिर ऐसे जो राइटिंग होती है स्टोरीज होती है कन्वर्जेशन होती है डायलॉग होते हैं, ये सारे आपके राइटिंग के अंदर ही शामिल होते हैं। इन सब चीज़ों को राइटिंग के अंदर शामिल
सभी चीज़ें, मतलब जो भी सेलेक्टेड चीज़ें होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उनको एक साथ सम्मिलित कर दिया जाता है, जिनसे बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। ऐसे कहीं स्टोरीज है तो कहीं ऐसे है तो कहीं बायोग्राफी। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बुक शुड प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन, जो है प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है, अब जब उसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज वो हमें प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ कलेक्शन, जो कलेक्शन हमने लिया है इसमें टॉपिक्स का, वो वैरायटी ऑफ कलेक्शन है, यानी उसमें बहुत सारी इतनी वैरायटीज हैं, तो हम उसे हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है। जैसे कि जब हम खाना खाने के लिए जाते हैं या होटल में हम जाते हैं, तो जब हमें वहाँ पर हमारे पास जो मेन्यू आता है उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स आते हैं, बहुत सारे फूड्स आते हैं, तो उसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हमें चाइनीज़ खाना है या हमें साउथ इंडियन खाना है या हमें पंजाबी खाना है, तो उसमें इतनी सारी वेराइटीज़ आती है, तो उससे हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है खाने के प्रति की, यानी कि हमारे पास इतनी सारी चॉइस, इसमें से हमें कुछ भी जो हमें ले सकते हैं वो खा सकते हैं। उसी प्रकार जो है टेक्स्ट बुक होती है, इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स आर सेलेक्टेड, सो स्टूडेंट्स विल टेक द इंटरेस्ट इन टेक्स्ट बुक एंड विल गेट द न्यू इंफॉर्मेशन एंड न्यू नॉलेज, तो उससे क्या होता है कि नए नए उनको जानकारी मिलती और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है वेरियस लैंग्वेज आइटम शुड बी यूज्ड इन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो वेरियस लैंग्वेजेस आर यूज्ड, इसका जो आप एक बना सकते हैं, ये इसका बिंदु बन गया कि वेरियस लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बहुत सारी जिस प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, आपने जो लैंग्वेज देखी है हिंदी है आपकी, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी लैंग्वेजेस है उनको टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल किया जाता है और एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत, तो ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है हमारा देयर शुड बी बहुत प्रैक्टिकल एंड टेक्स्ट एक्सरसाइज पर द एंड एवरी चैप्टर, यानी कि एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ एवरी लेसन और चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर का लेसन के एंड में कुछ एक्टिविटीज को जो आपकी प्रैक्टिकल होते हैं या जो एक्टिविटीज है या एक्सरसाइज है उनको रखा जाता है, ताकि हम क्या करते हैं हमारा जो हमने लेसन पढ़ा है उस टेक्स्ट बुक में से जो हमने लेसन पढ़ा है उसके बाद में हमें उस एक्सरसाइज को करके हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्या रहता है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमें बोध होता है, अंडरस्टैंड कराया जाता है उन प्रश्नों के माध्यम से, हमारे एक मूल्यांकन होता है कि हमने उस पार्ट में जो पढ़ा है वो हमें कहाँ तक समझ में आया, तो उसे जाँचने के लिए हर पाठ्य पुस्तक में हर चैप्टर के एंड में खत्म होने के बाद उसी लेसन से संबंधित आगे कुछ एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल पीछे दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इलस्ट्रेशन शुड बी अट्रैक्टिव फॉर एवरी यंग पीपल्स, द पिक्चर शुड बी वेल यंग, वेल ब्राउन एंड रियलिस्टिक कलर एंड नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि जो पिक्चर्स आर, जो पिक्चर्स होती है, पिक्चर्स आर शुड बी इन कलर नॉट इन ब्लैक एंड वाइट, यानी ब्लैक एंड वाइट के अंदर ये हमारा जो है जो बुक दी जाती है उसके जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी पिक्चर्स ड्रॉन की जाए तो पिक्चर्स ड्रॉन फॉर शुड बी इन कलर, यानी कलर में होगा तो बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा और वो इजी, मतलब अट्रैक्टिव तो लगेगा ही साथ में उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा जिससे वो पढ़ेंगे और टेक्स्ट बुक को देखेंगे और पिक्चर्स के माध्यम से भी उसको समझेंगे, तो वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इतना अट्रैक्टिव नहीं होता जितना कि कलर होता है। नेक्स्ट है इट शुड बी प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी, इट शुड बी प्रिंटेड ऑन गुड
क्वालिटी, जो इसकी प्रिंटिंग जो हो, जिस कुछ जो प्रिंटिंग ले जाए यानी कि डल ना हो, अच्छी क्वालिटी की हो, वर्ड्स एकदम क्लियर हो, मिस प्रिंट ना हो, तो बच्चों को समझने में आसानी रहती है। तो इस प्रकार से जो हमें जब कोई टेक्स्ट बुक को जब सेलेक्ट करें तो उसमें इस क्राइटेरिया को शामिल किया जाता है, क्षेत्र को कि उसका जो प्रिंटिंग स्क्रिप्ट है वो अच्छा हो। नेक्स्ट है द ब्रिंगिंग सॉरी द बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग। The binding should be proper or strong। यानी जो टेक्स्ट बुक के जो बाइंडिंग की जाए, यानी उसको जो जब हम पूरे प्रश्नों को बनाकर एक बुक बनाते हैं तो जब उसकी बाइंडिंग की जाए तो उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने पुस्तक को जैसे ही खोला बीच में से तो वो क्या हो जाती है, बीच में से वो पेजेस निकलने शुरू हो जाते हैं। जो उसकी बाइंडिंग है वो थोड़ी सी मतलब टाइट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि पेपर सीधा उधर ना उड़े, क्योंकि जो विद्यार्थी पेपर्स को नहीं संभाल पाएंगे, पेपर सीधा उधर निकलेंगे, फट जाएंगे और जो नॉलेज है उनको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द टेक्स्ट शुड बी टेक्स्ट बुक जो है, जो टेक्स्ट बुक की जो साइज है, टेक्स्ट बुक वर्ड साइज है, जो वर्ड साइज जो होनी चाहिए वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा साइज में वो अक्षर बड़े हो ना ज़्यादा छोटे हो, यानी कि एवरेज जो साइज होती है वो शब्दों की होनी चाहिए। द प्राइस शुड बी लो, जो प्राइस होती है वो लो होनी चाहिए, विच द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कैन ईजिली परचेज, यानी कि कैन ईजिली परचेज और अफोर्ड, यानी कि जो हमारे जो टेक्स्ट बुक की जो मूल्य होता है, यानी कि जितने रुपए में उसको खरीदी जाती है तो उसकी कीमत को थोड़ा सा सामान्य रखा जाए, ताकि विद्यार्थी उसको आसानी से अफोर्ड कर सकते, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी इंट्रोडक्शन इन द बिगिनिंग एंड कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि जब टेक्स्ट बुक को बनाया जाए तो उसके एंड में, उसके स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए और एंड में उसका कंक्लूजन होना चाहिए। ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर पाठ्य पुस्तक में, कि जब हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो हमें उसका इंट्रोडक्शन से ही पता लग जाए कि विषय वस्तु किस बारे में दी गई है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती है कि उसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होना चाहिए और एंड में उसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा, अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड बुक्स फॉर फर्दर रीडिंग मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी कि इसके बाद हमें जो भी क्लासेस जाने हैं, कोई और भी टॉपिक पढ़ना है, तो उनसे संबंधित पाठ्य पुस्तकों की सूची जो पाठ होता है उसके अंत में होनी चाहिए। फिर सीरियली नंबर्ड कंटेंट ऑफ द बुक्स मस्ट बी गिवन इन द बिगनिंग एंड द इंडेक्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर द होल सिलेबस, यानी कि जो इंडेक्स होता है वो देना चाहिए आगे, ताकि उससे पूरा होल सिलेबस जो है कवर हो सके, देखते ही पता लग जाए कि इस पाठ्य पुस्तक में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्टिंग क्राइटेरिया ऑफ अ टेक्स्ट बुक, जिसमें आपने पढ़ा था कि वर्ड्स और स्ट्रक्चर को एकदम इतना अच्छे से आसानी से उसके अंदर ग्रेडेड किया जाता है कैरेक्टरी, कि हम स्टूडेंट्स को इजीली समझ सकते हैं। फिर हमने टू मेनी न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स आर इंट्रोड्यूस एट अ टाइम, एक ही टाइम पर बहुत सारे वर्ड्स और मीनिंग को हम परिचय में आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स और शब्दों से और उनके अर्थों से हम परिचय में आते हैं। फिर जो वेराइटी ऑफ टॉपिक्स आर सिलेक्टेड, जो इसके अंदर बहुत सारे वेरियस जो टॉपिक्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होता है एंड दे विल गेट और दे विल गेन द न्यू नॉलेज एंड न्यू इंफॉर्मेशन। फिर वेरियस लैंग्वेजेस आर यूज्ड, तो स्टूडेंट के लर्न द मेनी लैंग्वेजेस थ्रू द टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस इन द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर, एवरी चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल दिया जाता है। पिक्चर्स आर, जो पिक्चर्स होते हैं वो हमेशा कलर भी होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट भी होनी चाहिए, और शुड बी जो प्रिंटिंग हो बुक की टेक्स्ट बुक की शुड बी इन गुड क्वालिटी, यानी इसको कोई मिस प्रिंट ना हो, अच्छी क्वालिटी की हो। फिर है जो बाइंडिंग है वो शुड बी प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग, उसकी जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा द साइज ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी हैंडी फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि इतना अच्छे से होना चाहिए कि विद्यार्थी उसको समझ सके। द प्राइस शुड बी लो विच द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड, यानी उसको इजीली खरीद सके, उसकी कीमत सामान्य होनी चाहिए।
देयर मस्ट बी इंट्रोडक्शन इन द बिगनिंग एंड द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर, यानी कि उसमें जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एंड में कंक्लूजन होना जरूरी है. अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड बुक्स ऑफ फर्दर स्टडीज या फर्दर रीडिंग मस्ट बी इंट्रोड्यूस या गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. चैप्टर के एंड में एक तो जो भी उसकी संदर्भ पुस्तिका है यानी कि इसका और नॉलेज कहाँ से ले सकता है वो सूची होनी चाहिए. उसके अलावा इंडेक्स भी होना चाहिए ताकि उसकी पूरी विषय सूची प्राप्त हो सके. और यदि आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.